मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। सरकार को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बेवजह आप तूल दे रहे हो, जामतरा से आपने शुरुआत कर दिया और हर डिस्ट्रिक्ट में आप ये काम कर रहे हो। पहले आपको नहीं दिखा था क्या? आप कहाँ थे पहले? आप आज आप कौन होते इस तरह निर्णय लेने वाले? आज मैं सरकार के सामने बात रखूंगा कि आज देखिए हिंदू समाज भी चाहता है कि नहीं उर्दू लिखा जाए वहाँ। आदिवासी लोग तीर धनुष लेकर खड़े हैं कि नहीं उर्दू को हम नहीं मिटने देंगे। तो जब समाज चाह रहा है तो आप कौन होते मिटाने वाले भाई? भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत उर्दू जुबान और अल्पसंख्यक को जलील कर रही है। भाजपा और आरएसएस नहीं चाहती है कि हमारे अल्पसंख्यक बच्चा समाज में आगे आए, हायर एजुकेशन ले। इसी के तहत विद्यालय में भी जात पात करने का काम भाजपा कर रही है। इरफान डरे हुए हैं कि नहीं डरे हुए? इरफान को डरना चाहिए। यहाँ आदिवासियों का संख्या अधिक है, यहाँ मूलवासियों की संख्या अधिक है, यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, तो इरफान को पहले डरना चाहिए। अगर इरफान को डर लग रहा है तब तो बात समझ में आ रहा है, नहीं तो वो विक्टिम कार्ड जो खेल रहे हैं। झारखंड प्रदेश की जनता जान रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी संख्या जहाँ बढ़ती जाएगी वहाँ सरकारी विद्यालय का नाम आप उर्दू कर देंगे, ये न्याय उचित है क्या? ये अन्याय है कि नहीं? प्रार्थना करने का तरीका आप बदल देंगे, हाथ जोड़ करके करने के बजाय आप हाथ मोड़ करके प्रार्थना करवाना शुरू कर देंगे, प्रार्थना आप बदल देंगे। तो ये झारखंड प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, उसका जवाब हम लोग देंगे। और जो ये प्रदेश का उर्दूकरण हो रहा है इस सरकार में, उसकी लड़ाई हम लोग पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे। देखिए ये सब लोगों का एक नेटवर्क है और इस झारखंड प्रदेश के नेटवर्क के दो चार लीडर हैं, जिसमें इरफान भी हैं, जिसमें और हमारे लीडर हैं, धीरे धीरे उन लोगों का भी नाम का खुलासा होगा। लेकिन ये कानून के विरोध में जब आप विधायक बनते हैं या मंत्री बनते हैं तो आप शपथ लेते हैं संविधान का, और संविधान के हिसाब से आपको प्रदेश चलाना होता है, संविधान के हिसाब से आपको विधानसभा चलाना होता है या क्षेत्र चलाना होता है। तो आप केवल उर्दू की बात करते हैं, क्यों नहीं सारे समुदाय और सारे जाति की बात करते हैं? जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।